पूरे सूडान में बोलते ही कसालम है, सबसे बड़ी इंडियन कम्युनिटी है जो काफ़ी सालों से सूडान में बसी हुई है। और ये कसाला जो है वो ईस्ट ऑफ सूडान में आता है, ईस्ट ऑफ सूडान मतलब एरिट्रिया के बहुत पास, और एरिट्रिया इज़ नोन एज द नॉर्थ कोरिया ऑफ अफ्रीका। तो ये भाई है यशवंत भाई, जो मेरे को अभी सूडान में मिले यहाँ पे कसाला में। तो कैसे ही घूमने आए सूडान? हाँ, मैं सूडान घूमने आया हूँ। अभी हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं गाइस, ट्रेडिशनल कॉफ़ी कसाला में स्पेशली, क्योंकि ये जो तरीका है यहाँ पे कॉफ़ी सर्व करने का, ये मैंने खरतोम या फिर अलग दूसरे सूडान के स्टेट्स में नहीं देखा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कॉफ़ी दे रहे हैं कप में, ऐसे कप में, ऐसा कप मैंने इथियोपिया में लास्ट देखा था। और यहाँ पर ऐसे थर्मस जैसा कुछ है छोटा सा, और इसमें ये फ़िल्टर करने के लिए ऐसे यहाँ पे ये लगा देते हैं, यहाँ पे ये लोग तो ये लगा के देते हैं ताकि कॉफ़ी को फ़िल्टर कर पाए। तो काफ़ी यूनिक स्टाइल लगा मेरे को, ऐसा मेरे को सूडान, ऐसा मैंने सूडान में कहीं पे पहले नहीं देखा, फर्स्ट टाइम यहाँ पे कसाला में देख रहा हूँ। तो ये है जगह यहाँ पर हम लोग आज ब्रेकफास्ट कर रहे हैं कसाला में। वेलकम टू माई चैनल एवन, माय नेम विष्णु, और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल वंडरिंग मैनियक। फिलहाल मैं गाइस कसाला में, और आज मेरा प्लान है यहाँ पे कसाला में इंडियन कम्युनिटी से मिलने का। पूरे सूडान में बोलते ही कसाला में सबसे बड़ी इंडियन कम्युनिटी है जो काफ़ी सालों से सूडान में बसी हुई है, और अभी तो फ़िलहाल वो लोग सूडानी बन चुके हैं, बट उनका रूट इंडिया से है, मोस्टली गुजरात से ज़्यादातर लोग बोलते हैं, माने जाते हैं ज़्यादातर लोग गुजरात से हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ये देख सकते हो आप लोग, ब्रेकफास्ट में फूल और ये है ब्रेड। फूल यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया नेशनल डिश है, सुबह सुबह हर एक जगह आपको फूल ही मिलेगा। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज नाफा अब्दुल्ला। नाफा अब्दुल्ला, हां। विष्णु? विष्णु। विष्णु हिंदी? हिंदी। व्हेन या तो मंदा का अरबी था क्या? वहां भी कल आ रहा है अरबी, माफी। मुंबई? कलकत्ता। कलकत्ता, बेंगलोर। आना बेंगलोर? बेंगलोर, यू बेंगलोर? हां बेंगलोर, बहुत अच्छा है। ओ बेंगलोर बारिश है है। तो ये थे एक्चुअली, ये यहाँ पे ट्राइब के हेड थे ये, और क्या बताऊँ गाइस, सूडान के लोगों का अलग ही चीज़ है यार। यहाँ के लोग मेरे को अब तक समझ नहीं आया, इतने हॉस्पिटेबल लोग, इतने अच्छे लोग, इतने फ्रेंडली लोग, मैं नहीं बता सकता गाइस, ये फीलिंग नहीं बता सकता मैं आपको। यहाँ पे आप यहाँ पे आओगे तो शायद आप समझ पाओगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे गाइस मैं इन दो भाई लोगों के साथ हूँ यहाँ पर, इंट्रोड्यूसिंग यू गाइस इन द वीडियो, सो ही इज़ ओसामा एंड ही इज़ अजीज़। तो इनको मैं यहाँ पर काउच सर्फिंग के थ्रू ही मिला, और सबसे अजीब बात, कसाला आने के बाद मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये अजीब इसीलिए है क्योंकि ये तो जो भाई लोग मिले मेरे को, मैं दो दिन मैंने स्पेंड कर चुका है कसाला में, और एक चीज़ के लिए ये लोग पे करने नहीं दे रहे मेरे को, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है यार। मैं बोल रहा हूँ यार, एक बार ठीक है, दो बार ठीक है, हर बार तो मत पे करो यार, मेरे को भी खुद अच्छा नहीं लग रहा अभी, बट ये सुन ही नहीं रहे ये, मतलब ये बोल रहे हैं कि तुम गेस्ट हो यहाँ पर और हम तुम्हारे लिए पे करेंगे, और दो दिन से हूँ मैं यहाँ पर, हर चीज़ के लिए लोग पे कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जूस पिया, हाउ मच वाज द प्राइस फॉर द जूस? 200 for one? 200 for all. हाँ ओके ओके, तो अराउंड 200 pounds हम लोगों ने पे करा तीन जूस के लिए, जो मेरे को पे करने नहीं दिया इन्होंने, इन्होंने पे करा मेरे बोलने के बावजूद। 200 rupees मतलब कितना हुआ, अराउंड कुछ 50 rupees, 50 rupees में तीन जूस पिया हम लोगों ने अभी। और ये कसाला जो है वो ईस्ट ऑफ सूडान में आता है, ईस्ट ऑफ सूडान मतलब एरिट्रिया के बहुत पास, यहाँ से अराउंड कुछ 10-12 किलोमीटर दूर बॉर्डर एरिट्रिया का, और एरिट्रिया इज़ नोन एज द नॉर्थ कोरिया ऑफ अफ्रीका, आप लोगों को पता होगा। ये है इंडियन मार्केट, यहाँ
यहाँ पे गांधी फार्मेसी जो इंडियन की चलाते हैं दुकान, देखते हैं मिलते हैं कैसा रहता है। हेलो, आप लोग इंडिया से हो? नमस्ते, मैं इंडिया से घूमने आया हूँ। तो यहाँ पे मेरे को बताया कि यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी है, तो मैं ऐसे ही मिलने आया इंडियन कम्युनिटी से। बढ़िया हूँ। आप लोग कहाँ से हो? गुजरात से। तो ये भाई है यशवंत भाई, जो मेरे को अभी सूडान में मिले यहाँ पे कसाला में। तो कैसे भी घूमने आए हैं सूडान? हाँ, मैं सूडान घूमने आया हूँ। नहीं, मुझे पता है सूडान को आता नहीं है, पर मुझे पता है कि यहाँ लोग बड़े अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि सूडान को आते नहीं। अच्छा, इस वक्त ऐसी सिचुएशन है। सही बात। सूडान का सिचुएशन काफ़ी ख़राब है अभी, उसका नाम खराब है। हाँ जी। नहीं सर, ये कंट्री इतनी बुरी नहीं। हाँ, नहीं, लोग तो काफ़ी अच्छे हैं सर। इस वक्त इसकी सिचुएशन ऐसी है। सही बात। तो आप लोग अभी सूडानी हो? अरे यार, मेरा जन्म यहाँ हुआ। अच्छा, मेरे ग्रैंड फादर यहाँ। अरे, ये हमारे किंग है। अच्छा, नमस्ते सर। कम्युनिटी के प्रेसिडेंट। नमस्ते, बढ़िया। भारत कुमार शिवलाल वीरानी। भारत कुमार शिवलाल वीरानी। अच्छा, आप लोग भी गुजरात से? अच्छा, सब गुजरात से। अच्छा, ये दुकान पूरा आपका है? यहाँ पे तो मैं इंडियन कपड़े भी देख रहा हूँ। इंडियन कपड़ा भी है? अच्छा, ये इंडियन का है। अच्छा, मैं यहाँ पे घूमने आया हूँ सर। आप कहाँ से? मैं कलकत्ता से हूँ। हाँ जी, ये साड़ी सब से इंपोर्ट करता हूँ इंडिया से। अरे, यहाँ पे इंडियन साड़ी पहनते हैं? अच्छा, इंडियंस नहीं पहनते, ये लोग पहनते। तो गाइस, यहाँ पे मैं हूँ इन इंडियन कम्युनिटी के लोगों के साथ, और ये बता रहे हैं कि इनके ग्रैंड, आपके पापा जी, आपके इनके पिताजी 1931 में सूडान से हैं, तो तब से इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे आना शुरू हो चुका था। भैया, उसकी पहले उससे पहले। अच्छा, एक चीज़ है, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? तो आप लोग अरबी वगैरह सब कुछ बोल लेते हो पूरा? अच्छा, हम ज़्यादा अरबी में बातचीत करते हैं। अच्छा, भैया, अगर थोड़ा घंटा ज़्यादा मेरे साथ बोलेगा तो आधा सेंटेंस सारा चीज हो जाए। एक चीज़ पूछता हूँ मैं आप लोग से, आप बुरा ना, बुरा मत मानना, आप लोग इतने टाइम से आए हो, तो आपने वाइफ भी सूडानी देखा है या फिर इंडियन है? इंडियन है। अच्छा अच्छा, वो आपने मतलब इंडिया जाके आपने रिश्ता तय किया? कैसा ना कि अच्छा, एक लड़की भी उसको प्यार किया है। और मैंने एक पुर्तगाल की लड़की थी। अच्छा, मैं दो तीन बार गए तो तेरी नज़र में थी तो मिल गई। तो आप लोग इंडियन कम्युनिटी में ही देखते हैं? इंडियन सर, सूडान में कहीं और नहीं देखा? नहीं, बस इथियोपिया में देखा। इथियोपिया में देखा? इथियोपिया में ऐसा कब भी देखा? हाँ, लेकिन ये स्टाइल नहीं, ये वाला और ये मैंने कहीं नहीं देखा। तो अभी हम लोग यहाँ पे कॉफ़ी पी रहे हैं हमारे इंडियन कम्युनिटी के दुकान में बैठकर। तो ये थे गाइस इंडियन कम्युनिटी के लोग। ये जो अंकल जी से मैंने आप लोगों को मिलाया, ये एक्चुअली 80 साल के हैं, और इनके ग्रैंडफादर भी सूडान में पैदा हुए थे, तो इनके अराउंड कुछ 2-3 जनरेशन उन्होंने क्रॉस कर दिया सूडान में। ये जो नॉर्मली सूडान के लोग होते हैं उनसे ज़्यादा सूडानी है, मतलब अरबी वरबी सब आती है उनको, सूडान का इनका सिटीजनशिप है और सब कुछ। जैसे मैंने आप लोगों को इसके पहले कहा था कि सूडान में इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी प्रॉब्लम है, अभी फ़िलहाल कसाला के पूरे शहर में लाइट नहीं है, तो आपको ऐसे जनरेटर पूरे दिन चलते हुए मिलेंगे यहाँ पर। अगर मैं अभी सूडान में आप लोगों प्रॉब्लम्स की लिस्ट लगाऊं तो यार पूरी पेपर भर जाएगी, इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं अभी सूडान में। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे सूडान में चेतक भी है। मैंने इसके पहले बजाज ऑटो देखा था, बट चेतक मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे सूडान में। अभी क्या हुआ है कि अभी एक अच्छा प्लान बनाया है कि यहाँ पे एक लोकल है जो मेरे दोस्त हैं यहाँ पर, मेरे को काउच सर्फिंग में जो दोस्त मिले थे उनके थ्रू ही मेरे को मेरी बातचीत हुई, और वो इंडिया में भी काफ़ी ट्रैवल कर चुके हैं। मैं उनके घर जा रहा हूँ अभी, जो क्या बोलते हैं उसको, इथियोपियन फूड जो इंजीरा जो होता है, जो मैं आपको बता रहा था कि मैं एरिट्रिया में भी उनका कल्चर है, तो वो मैंने उनको बताया कि मेरे को रेस्टोरेंट में खाने जाना है, तो उन्होंने बताया कि तुम रेस्टोरेंट में मत जाओ, मेरे घर पे आ जाओ। तो अभी उन्होंने मेरे को अपने घर पर इन्वाइट करा है,
और मैं उनके घर पे भी जा रहा हूँ इंजरा खाने के लिए. सो ही इज ईजू, आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू. ही इज ईजू एंड सीख. एंड हाउ मेनी इयर्स यू वर इन इंडिया? 7 इयर्स. वाओ. तो आई एम गोइंग टू हिज हाउस नाउ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू. यू आर वेलकम मैन. यू आर गेस्ट मैन. ये अपन बैठ गए चेतक में बस. इट्स गुड राइड. यस दिस इज द बाइक. दिस इज इंडियन बाइक. इंडियन बाइक. यस चेतक. यस यल्ला यल्ला. या हाजर. तो ये देखो गाइस, ये है इज़ू भाई का घर जहाँ पर अभी हम लोग लंच करने वाले हैं. दिस इज़ ऑल अरेबियन स्टाइल राइट. तो जितना भी आप देख सकते हो यहाँ पे सोफे वगैरह लगे हुए हैं, ये पूरे अरेबियन स्टाइल में हैं. यू हैव दैट एरिट्रिया कल्चर. तो यहाँ पर देखो गाइस, ये इज़ू भाई ने काफ़ी मेहनत कर दी. आई एम जस्ट टेलिंग दैट यू वर्क्ड अ लॉट फॉर मी. आई एम सॉरी फॉर दैट. दिस इज़ वेरी लेजेंडरी. यस. तो यहाँ पे ये देख सकते हो खाना आप लोग. दिस इज शिरो. दिस इज ओके जिग्नी. ओके दिस इज राइस एंड दिस इज द एंगेरा. यू से एंगेरा. किसरा एंड एंगेरा. एंगेरा बाय हबश. बाय सुपियन. हबश. एंगेरा बाय एन सुपियन. दे से एंगेरा. ये हियर दे से किसरा. किसरा किसरा. सुदानीस. But it's the same thing, but yeah. तो यहाँ पे बस उनका नाम बदल दिया इन्होंने, बट यहाँ पे भी कल्चर है एरिट्रिया और इथियोपिया का. साला दे स्पीक तिग्रे राइट. यस एंड ओनली तिग्रे. ओनली तिग्रे. तिग्रे इज फाउंड इन इथियोपिया इज एरिट्रिया. एरिट्रिया. एंड इन एरिट्रिया कैन यू फाइंड मुस्लिम्स? हम ऑल्सो मुस्लिम्स. लाइक 60%. So they are not Christians? No, no. 40% Christian. Oh, okay. 60% Muslim. So those are the Muslims who come to Sudan and you know? Oh, yes. तो भाई यहाँ पे अभी हमारा खाना कम्प्लीट होने के बाद यहाँ पे इन्होंने चाय लेके आए और यहाँ पे अरब स्टाइल में. और एक जो सबसे यूनिक चीज़ जो मेरे को बतानी है आप लोग को, शायद मैंने इसके पहले इसके बारे में नहीं बताया आपको, कि हर एक चाय जब वो ऑफ़र करते हैं आपको इनके साथ ये एक फ्रेगरेंस लेके आते हैं वो लोग. और ये फिर और हर एक चाय जितने बार भी आप चाय पियोगे उतने बार आपको ये वो खुशबूदार फ्रेगरेंस वो लेके आएंगे और वो आपको महकाते रहेगी. वो रूम को पूरा महकाते रहेगी. उसके साथ आप फिर चाय पियोगे. ये काफ़ी मेरे को यूनिक ट्रेडिशन लगा मेरे को. हमारा अभी खाना कम्प्लीट हुआ. इन्होंने स्पेशली मेरे को बुलाया इनके घर पर कि मैं यहाँ पे इनका कल्चर का फूड मैं ट्राई कर पाऊँ, क्योंकि मेरा मन था कि यहाँ पर मैं इंजरा ट्राई करूँ. क्योंकि मैंने इथियोपिया में तो मैंने आप लोगों को दिखाया मैंने कितना खाया है इंजरा, बट मेरे को सूडान में भी ये एक्सपीरियंस करना था. क्योंकि सूडान के आप कहीं पे भी दूसरे पार्ट में चले जाओगे आपको ये इंजरा नहीं मिलेगा, आपको बस कसाला में ही मिलेगा. क्योंकि ये एरिट्रिया के काफ़ी काफ़ी क्लोज है. तो सिमिलर कल्चर यहाँ पे लोग फॉलो करते हैं. यहाँ पे लोग टिग्रे भी बात करते हैं, जैसे इज़ू बोल रहे थे अभी वीडियो में कि यहाँ पे टिग्रे भी बात करते हैं. टिग्रे इज़ अ लैंग्वेज ऑफ एरिट्रिया. और पहले तो दो डेढ़ साल पहले काफ़ी लोग आना जाना भी करते थे यहाँ पर, बट क्योंकि अभी यहाँ बॉर्डर में प्रॉब्लम चल रहा है, अभी काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हो चुके हैं और कैमरा लेके तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है. वही बोल रहे थे इज़ू कि अगर आप लोग को जाने का मन है तो जा सकते हो, बट कैमरा लेके तो शायद बहुत मुश्किल होगा क्योंकि जो सिक्योरिटी है बहुत टाइट है. और ये खुद लोकल रह के ये बोलते हैं कि अगर मैं जाऊँगा एरिट्रिया बॉर्डर के पास तो मेरे को खुद डर लगता है. तो ये हाल है यहाँ पर. तो एनी वेज गाइज, मैंने कोशिश करा आप लोगों को कि मैं नॉर्थ कोरिया के पास का जो सिटी है वहाँ पे लाइफस्टाइल कैसी है मैं आप लोगों को दिखाऊं, और जितने भी इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं उनसे मैंने मिलवाया आपको. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना गाइज, कमेंट करना अपने व्यूज़ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, शेयर करना. एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो.